हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे किचन पारुल क्यूजिन में स्वागत है। जैसा कि आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे, जो कि वेरी डिलीशियस, वेरी हेल्दी एंड क्विक रेसिपी है। तो चलो हम पनीर के पराठे बनाना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें हम आटे का डो बनाएंगे और बाउल में हम आटा डाल देंगे। साथ में मिलाया है आधे स्पून जितना नमक और मिला देंगे एक टेबलस्पून जितना ऑयल। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए धीरे धीरे पानी डालते हुए हम आटे का डो बना देंगे। इस आटे के डो को न तो हमें एकदम ढीला बनाना है, न ही एकदम टाइट बनाना है, पराठे के आटे के जैसा बनाना है। ये आटे का डो बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप जितना पानी। अब हमारे आटे का डो तैयार है, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। साथ ही मैंने फिलिंग के मिश्रण को तैयार करने के लिए लिया है बाउल, जिसमें मैंने मिलाया है 300 ग्राम जितना ग्रेट किया हुआ पनीर। साथ में मिलाया 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड अनियन, 3 हरी कटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून जितना गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर मिलाया है नमक। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिलिंग के लिए यह मिश्रण अब तैयार है। पराठे बनाने के लिए मैंने पैन को रख दिया है गैस के ऊपर। गैस को शुरू कर दिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब गैस अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं के आटे का पेड़ा और उसको मैंने बेल लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग भर दूंगी। फिलिंग मैंने यहाँ पर 4 स्पून जितनी ली है। अब दोनों हाथों से इस मिश्रण को पूरा भर के इस पराठे को बंद कर देंगे। उसका जो एक्सेस आटा है उसको हमने निकाल दिया है और फिर से इसको अच्छे से दबा के पेड़ा बना देंगे और हल्के हाथों से बेल लेंगे। यदि आपका आटा सॉफ्ट बना है तो ये पराठा फटेगा नहीं, यदि हार्ड बना है तो ये फट जाएगा। पराठे के लिए हमें ऐसा ही आटा चाहिए। मैंने पराठे को डाल दिया है पैन के ऊपर, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब धीमी आंच में उसको पकने देंगे। मैंने इसको पलट कर दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दिया है। आप देख सकते हो कि पराठे का कलर चेंज हो गया है। हमको इस पराठे को क्रिस्पी बनाना है तो हम थोड़ी देर और धीमी आंच में पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा बनकर तैयार है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इस तरह दूसरा पराठा भी हम बना देंगे और उसको भी प्लेट में निकाल देंगे। देखो दोस्तों, हमारे पराठे बनकर तैयार है। यदि आप सबको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।